जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2020 का जो सेकंड पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीडीपी में वो हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें पिछले 10 सालों के पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज की आज ये पहली वीडियो है और इसमें हम सॉल्व करेंगे सीडीपी के पेपर टू यानी कि सीटेट में 2020 में जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्व करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम डेली 30-30 क्वेश्चन देखते रहेंगे तो 10 दिन में पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर इजीली देख लेंगे। और आपको भी पता है कि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन पिछले साल के रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 30 से शुरू करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन को, ताकि ऊपर आसानी से जल्दी से ख़त्म किया जा सके। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। मतलब किसने कहा था कि जो बच्चों की चिंतन क्षमता होती है वो बड़े लोगों से ना वो अलग होती है। तो बात संज्ञानात्मक विकास की हो जा रही है, बात चिंतन की हो रही है। और किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 बच्चों पर यह प्रयोग किया था? आप बिल्कुल बता सकते हैं कि यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। जीन पियाजे के द्वारा, क्योंकि जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया था और जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जीन पियाजे। बहुत सही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी में ही प्रेफर करते होंगे। अगर आप इंग्लिश में भी प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन भी हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसको सेम चीज़ लिखा गया। अब आइए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। बच्चों के सामाजिकीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी कोई भूमिका नहीं, ये जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत कम भूमिका होती है, ये भी जवाब गलत हो जाएगा। अगला जो है कि प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। अगर हम इंग्लिश बात करेंगे तो स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन डज नॉट प्ले एनी रोल, प्ले वेरी लेस रोल या लिटिल रोल, अ प्राइमरी एजेंसीज या फिर अ सेकेंडरी एजेंसी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्राथमिक कारक या द्वितीय कारक। देखिए एक बच्चा समाजीकरण बनता है तो सबसे पहला कारक कौन होगा? उसके माता पिता, उसका घर परिवार। तो जो फैमिली होती है वो प्रथम कारक होता है, विद्यालय उसका द्वितीय कारक होता है। तो एक बच्चे को सामाजिक बनाने के लिए उसका विद्यालय क्या होगा? द्वितीय कारक हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि द्वितीय कारक। बहुत अच्छा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी ट्रिकी पूछा गया है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाया गया। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्य अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? मध्य बाल्य अवस्था की अवधि मतलब जीन पियाजे ने इस अवस्था को 7 से 11 वर्ष की आयु को माना था और इसको उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक कहा था। मध्य बाल अवस्था को जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा था। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें देखिए प्रतीकात्मक खेल का उभारण होगा या फिर तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो जीन पियाजे ने इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा था, तो बिल्कुल ये सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आइए हम अन्य विकल्प देखते हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि में नहीं, देखिए जो जो तेजी से वृद्धि है ना, तो वो तो आपका किशोरावस्था में होता है। और वैज्ञानिक तर्क अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, वैज्ञानिक रूप से तर्क अमूर्त ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 से 11 वर्ष को हम मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार विकल्प नंबर 2। तो निम्नलिखित के मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? क्योंकि यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार, तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हिंदी में समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहें तो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। विकास की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप सब आसानी से कर लेंगे। देखिए विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, कौन सा हो सकता है? देखिए बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं। अगला प्रश्न, संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में नहीं हो सकता ना, एक क्रम और सुनिश्चित समय में बिल्कुल नहीं हो सकता। विकास सुचारूपूर्ण सुव्यवस्थित समूह अवस्थाओं में पूर्व, यहाँ पे ध्यान दिखेगा, ये जो कहा गया है पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण, इस विकल्प को अभी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है विकास एक सरल और एक दिशीय विकास नहीं होती, यह
वन डायमेंशनल ही होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। अब यहाँ पे दो विकल्प हो गया, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता, लेकिन उसने यहाँ पे लिखा है कि पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण। अब पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटक मतलब किसी की फैमिली में अगर मान लीजिए कोई सही नहीं है पढ़ने में, या फिर कोई मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, तो क्या उसके बच्चे भी मेंटली तौर पे ठीक नहीं होंगे? क्या उनके बच्चों का भी विकास सही नहीं होगा? तो क्या पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण उनका विकास होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा तर्कसंग, जब हम आप एग्जाम देने जाइए तभी भी इस प्रकार से खुद से डिस्कस करके एग्जाम दीजिए। चलिए 26 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका, यहाँ पे अध्यापिका की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, हम विद्यार्थी की जरूरत को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो देखिए, अध्यापक केंद्रित तो नहीं होगा, क्योंकि हम विद्यार्थी की जरूरत को देख रहे हैं, और विद्यार्थी का जरूरत मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो अब आइए प्रगतिशील, बिल्कुल एक प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव क्लास होगा, प्रगतिशील होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा और व्यवहारवादी नहीं होगा। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? प्रगतिशील, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में हम छात्रों के रुचि, जरूरत, योग्यता, इन सब को चीज़ें ध्यान में रखकर हम पठन पाठ्य का कार्य करते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, इस प्रकार से आसान आसान से प्रश्न आते हैं। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, मतलब एक क्लासरूम में एक समूह में सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है? बच्चे अगर एक साथ सब समूह में पढ़ते हैं तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। ये जवाब सही लग रहा है, लेकिन हम आइए कुछ और विकल्प को देखते हैं कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, और उनके ये भ्रांति बिल्कुल नहीं उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, नहीं भंग नहीं हो सकता है, समूह में तो और उनकी सहायता होगी और अच्छे से विकास होगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि अधिगम के लिए रुकावट पैदा, नहीं क्लासरूम में एक साथ पढ़ाने में रुकावट बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियात्मक के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल सही, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़िए। मैं और आगे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। ये तो बड़ा आसान है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना, कोई बच्चा अगर विद्यालय में असफल होता है तो वो क्या दर्शाता है? देखिए, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट लिखा है कि वंचित पृष्ठभूमि मतलब जो कि डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, वो पढ़ने के योग्य नहीं होते। ये तो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। पृष्ठभूमि नहीं, वो बच्चों, ऐसा नहीं कि पृष्ठभूमि गलत है तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये गलत। निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं था। ये बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति में करने में समर्थ नहीं था, ठीक है। तीसरा, साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिक पैदाइश नहीं, ये नहीं। अब कोई बच्चा असफल हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी अनुवांशिक गलती है, नहीं, ये गलत है। सूचित करता है कि अभिभावक ने अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि यह निर्देशित करता है कि जो विद्यालय है ना, वो बच्चों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असमर्थ रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2। अच्छा, जब हम सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे बच्चों को हम दंड नहीं दे सकते, अभिभावक पर ब्लेम नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे किस नई चीज़ों से पढ़ा सकते हैं, ठीक। दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या गया है। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है, बच्चों के चिंतन के विषय में। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उनके पास पास की जो घटनाएं होती है ना, वो अपनी थीरी अलग बना लेते हैं। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब बादल को जाते हुए देखते तो हम कहते थे कि देखो, ये बादल पानी लाने जा रहा है, फिर पानी, वो बादल पानी लेके आ रहा है, तो जब सारे बादल पानी लेके आ जाएंगे तो फिर बारिश होगी। तो सही बात है कि बच्चे अपने अलग कथन गढ़ लेते हैं, वो अपने अलग सिद्धांत वो सोचने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। हमें निकालना है कि कौन सा कथन गलत है।
अच्छा दूसरा आप देखते हैं कि बच्चे प्रत्यय को स्वयं स्वयं नहीं सोच सकते। बिल्कुल गलत है, बच्चे स्वयं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते? बच्चों के अंदर चिंतन क्षमता है तो वो सोच सकते हैं। तो बिल्कुल इसका जो गलत ऑप्शन है वो है बी, यानी कि इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे के हम विकल्प देख लेते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में संक्रियात्मक पूर्वक सोच रखते हैं और उसे छानबीन करने की लालसा होती है, और ये भी सही जवाब है। और बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही जवाब है। तो हमें इसमें गलत निकालना था कि चिंतन के विषय में कौन सा गलत है, तो इनके चिंतन के विषय में द्वितीय गलत है कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे स्वयं सोच सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 22 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। मतलब उनके अधिगम को अभिप्रेरित, उनको मोटिवेट करने के लिए। यहाँ देखेंगे विच, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कौन कौन सा? पाठ उपलब्ध करना, विशेष करके विद्यार्थियों को कोई नया कौशल सीख रहे हो तो। यहाँ पे इस ट्रिक को हम गलत नहीं कहेंगे, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। अगला, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल दे। नहीं, गलत बात है। हम सीखने पे ज़्यादा बल, कार्य पूर्ण करने पे बल नहीं, ये गलत जवाब हो जाएगा। वे कार्य देना जो बहुत असरल हो, ये भी नहीं कर सकते आप। उनको जब सरल कार्य देंगे तो वो फिर उसी में रह जाएंगे। प्रतियोगिता के लिए बहुत अवसर उत्पन्न करना। देखिए अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेष करके जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। अच्छा, मतलब पाठ उपलब्ध कराना का मतलब ये होता है, पाठ शब्द का मतलब होता है कि आप सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो आपने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, मतलब पाठ उपलब्ध करा देनी, सहायता कर देना। ठीक है, तो यही होता है पाठ उपलब्ध कराना, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। मोटिवेशन का मतलब होता है, अभिप्रेरित करने का मतलब होता है, सही स्ट्रैटेजी है कि यह पाठ उपलब्ध करना, विशेष करके जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो, जब नया कोई सीखेगा तो उसको आप थोड़ी सी हेल्प करिए। तो 22वां का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 तो बड़ा ही आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए। कैसी वातावरण की रचना करनी चाहिए? और डैश वातावरण की रचना नहीं करनी है बजाय डैश की। मतलब पहला है कि अधिगम के लिए आप कैसी वातावरण की रचना करेंगे, तो कैसी वातावरण की रचना करेंगे? सहयोगी, बिल्कुल सही, सहयोगी। ठीक है, सहयोगी तो करेंगे हम, एक सहयोगी वातावरण की रचना करेंगे। और कैसी वातावरण की रचना नहीं करेंगे? प्रतिस्पर्धिक, मतलब कॉम्पिटेटिव, बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कि एक बच्चे एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है कि सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए, तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। बाकी अगला देख लेते हैं, भैया दूसरा है प्रतिस्पर्धिक तो नहीं, सहयोगी के बजाय, नहीं सहयोगी करना चाहिए। तीसरा भयावह कर देंगे, बच्चे डर के भाग जाएंगे। और ठीक है, प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, तो पहला सही जवाब हो जाएगा इसका, प्रश्न संख्या 21 का, कि सहयोगी और प्रतिस्पर्धिक, मतलब सहयोगी करना चाहिए और प्रतिस्पर्धिक नहीं करना चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के। चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं दोस्तों। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए क्या करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए बच्चों के अंदर विविधता है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता है, तो एक शिक्षक को, यहाँ पे शिक्षिका लिखा है, मतलब अध्यापिका लिखा है शायद, हाँ जी, अध्यापिका, अध्यापिका के लिए लगता है ये सारा टेट प्रिपेयर किया गया, तो उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? टाल देना चाहिए, हो सकता है टिकटॉक चला रही हो तो टाल देगी मैडम, या फिर छोड़िए। उपेक्षित करना चाहिए, मतलब उपेक्षित, मतलब ये छोटी चीज़ें चलो हटाओ इसको, मतलब उपेक्षित भी नहीं कर सकते। समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए, तो बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए, जो भी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता है उसको समझना चाहिए। चलिए, ऑफेंसिव नहीं होना, थोड़ा सा बस मजाक कर रहा था। अच्छा, अधिगम एक डैश है, डैश और डैश प्रक्रिया है, अधिगम डैश और डैश प्रक्रिया है। चलिए, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल सही लग रहा है। सरल और रैखिक, रैखिक प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है, यह सक्रिय प्रक्रिया, ये प्रक्रिया होती है। सरल और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत भी नहीं होती क्योंकि ये सामूहिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति। जटिल और निष्क्रिय, निष्क्रिय भी नहीं होती, तो 19वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, कि यह कौन सी प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है 19वां का विकल्प एक, जटिल। जटिल अधिगम एक इतना आसान भी नहीं होता, जटिल है
और यह क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो प्रश्न संख्या 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 19 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर एक। चलिए वेरी गुड, अब आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 बहुत अच्छा दोस्तों। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका, यार यहाँ भी अध्यापिका, ये क्या, ओके कोई बात नहीं, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणाओं की सुव्यवस्थित कर पाएं। ये तो बिल्कुल सही विकल्प लग रहा है, ठीक है, तो पहला विकल्प आपको सही लग रहा है, याद रखिएगा। विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा के लिए सुव्यवस्थित कर पाएं, बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके योग्यता, देखिए आप बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि जो अधिक बच्चों पढ़ने में तेज है तुम इधर बैठे हो, जो पढ़ने में कमजोर है इधर बैठे, इससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा द्वेष की भावना आती है, तो दूसरा विकल्प गलत लग रहा है, उन्हें वर्गीकृत नहीं कर सकते। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करने चाहिए जिससे कि वह बहुपरिपेक्ष्य करने में सब मस्ते, बिल्कुल सही, आप थोड़ा ना उनको डिस्कस करने, अगर इंग्लिश में देखेंगे प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन, तो प्रमोट डायलॉग और डिस्कशन करना चाहिए, ये विकल्प सही लग रहा है। चौथा विकल्प है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण के मानक विधि, नहीं मान लीजिए कोई विविधता है तो उसकी आप उपेक्षा कर देंगे, वो हटा देंगे और केवल स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। तो विकल्प दो और विकल्प चार गलत है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, तो इसमें से विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा जिसमें पहला और तीसरा सही है, ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में भी डिस्कस करके पढ़िएगा। चलो ठीक है, बहुत सही बच्चों। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही कोई बात नहीं, एंजॉय करके पढ़ते हैं ना, हमें करना क्या है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपको लड़ जाए, ठीक है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था, शारीरिक यानी कि हम बात करें फिजिकल और इमोशनल का क्या रिलेशन है बच्चों के अंदर, देखिए कोई प्रभाव नहीं होता, अगर हम बात करें कि कोई प्रभाव नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल और इमोशनल प्रभाव होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई संबंध नहीं, कोई गलत बात है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दो। बहुत अच्छा बच्चों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए, ठीक है, आप बस सुनते रहिए, एग्जाम ऐसे का ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अब अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, ठीक है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम द डिसएडवांटेज, मतलब थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज और थोड़ा सा मतलब वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं ना, उनको आप जब एड्रेस करेंगे यानी संबोधित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो उसके लिए इनमें से कौन सा सही मेथड नहीं है, कौन सा सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो चलिए, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये तो है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, ये यही नहीं होगा यार, अब बच्चों से कह दो कि चलो ठीक है तुम जाओ ट्यूशन पढ़ लेना, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो ये गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि अगर ट्यूशन मास्टर खुद हो, क्योंकि लोग होते ना कहते हैं कि ऐसा है तुम मेरे पास ट्यूशन कर लो हम पढ़ा लेंगे, तो वो अलग ज़माना है, मगर सही बात यह है कि आप ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, आपको खुद उनके ऊपर बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं कि पठन वैफल्य बच्चे वो होते हैं ना जिनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने में समस्या होती है, ठीक है, तो पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, आप उन्हें कैसे करेंगे, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर आपको कैसे पता चल सकता है कि क्या इन्हें पढ़ने में समस्या है या नहीं है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, ऐसा कुछ नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य के परीक्षण से भी आप नहीं जान सकते, उनके पढ़ने और लिखने के कौशल का विश्लेषण करके, एग्जैक्टली जब आप एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं, तब आप जान पाएंगे कहीं उनके पढ़ने लिखने में कोई समस्या तो नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 विकल्प नंबर 3। और चौथा है उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने, आप किसी बच्चे को बिल्कुल जटिल दे दीजिए, उच्च स्तरीय का प्रश्न दे दीजिए, आप ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पठन वैफल्य, मतलब कि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने में समस्या होती है, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, उनके पढ़ने लिखने की कौशलताओं को विश्लेषण करके। चलिए बहुत से, अब आइए प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, चलिए वे प्रश्न देकर जिसमें अनुमुखी चिंता की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश रटने पर आधारित
परीक्षा देकर। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की, तो इसमें देखिए आप रटने पे तो दे नहीं सकते, विशिष्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको संबोधित करने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनौतीपूर्ण अधिक, यहाँ पे निरस्तता दूर करने के लिए। निरस्तता मतलब है ना, जैसे अनइंटरेस्टेड हैं बच्चे, वो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसको दूर करने के लिए आप कुछ ऐसे कार्य दीजिए, क्रियाकलाप दीजिए, जिससे वो करने के बाद उनकी निरस्तता दूर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं को इस प्रकार से संबोधित किया जाएगा, तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। बहुत से अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बिल्कुल आपके बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार हैं, द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है दोस्तों जिसमें हर एक प्रकार के बच्चे, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो, मतलब विकलांग हो, या फिर स्वस्थ हो, सबको एक कक्षा में पढ़ाना, एक ऐसी समावेशी देना, इसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा, बच्चों की उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक करना, और देखो पृथक नहीं कर सकते, पृथक मतलब अलग करना, तो ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाएं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, उनके सीमाओं के आधार पर नहीं कर सकते भैया, आप उनकी सीमाओं के आधार पर नामांकित करके अलग अलग कर दीजिए, ये भी गलत जवाब। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान करना, और दार्शनिक की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो 13 नंबर का है कि समावेशी शिक्षा के पीछे क्या अंतर्हित विचार है, तो वह यह विचार है, दार्शनिक विचार है, कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार देना, ठीक है। समान शिक्षा, नियम मैंने कहा था समावेशी का मतलब एक साथ, तो समान शिक्षा पाने का अधिकार देना ही समावेशी शिक्षा का क्या है, बिलीफ है समावेशी शिक्षा की। चलिए बहुत सही, 12 प्रश्न और रह गए, तो प्रश्न क्या 12 देख लेते हैं। आंशिक दृष्टि वाले, आंशिक दृष्टि मतलब जैसे कि मैं मतलब थोड़ा सा जिनको कम दिखाई देता है, तो आंशिक दृष्टि मतलब मैं आंशिक दृष्टि में नहीं आऊँगा, मतलब वो बच्चे जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। चलिए तो आंशिक दृष्टि मतलब पार्शियली साइड, मतलब जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है थोड़ा बहुत नहीं। चलिए तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए सीखने के लिए कौन सी अधिगम सामग्री सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, थोड़ा सा बैटरी वाले बच्चों के लिए। चलिए आप में से कितने लोग ये वाले बच्चे हैं बुरा नहीं मानना, ठीक है। चलो बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये तो सही है ना, जितने बड़े लिखे रहेंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदा होगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, मतलब थ्री डायमेंशनल नक्शे और चार्ट, ये भी सही है। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट, कुछ किताबें होती है ना जिसमें आवाज़ आती है, या फिर कुछ ऐसे ब्लैक बोर्ड होते हैं जिसको छू के आप देख सकते हैं ए लिखा है या बी लिखा है, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। तो कौन सी उपयुक्त नहीं होगी दोस्तों, उपयुक्त नहीं होगी छोटी मुद्रित वाली कार्यशीट, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है ना, एक तो बेचारा पहले से आंशिक है, आंशिक रूप से देख रहा है, और ऊपर से आप छोटा छोटा, तो ये उपयुक्त नहीं होगा। चलिए बहुत सही, प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, उसके बाद 10 और रह जाएंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बुंड्रा, या फिर बीएफ स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, ये कहा था कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। चलिए इसको अगर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब आइए, बाल केंद्रित कक्षाएं वो हैं जिसमें क्या, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड क्लासेस वो हैं जिसमें अ टीचर यूज द टेक्स्ट बुक द ओनली सोर्स ऑफ, नहीं गलत बात है, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान को स्रोत के लिए उपयोग करना गलत है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, देखिए वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत करता का मतलब वर्गीकृत तो नहीं करना चाहिए। चलिए हम अगला प्रश्न, इसका अगला विकल्प देखते हैं, क्योंकि वर्गीकृत बहुत ज़्यादा हम प्रमोट नहीं करते हैं। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड तो नहीं दे सकते भैया, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 4, 10वां का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीय को
डैश समझ चाहिए, एक गुण और साधन समझना चाहिए, एक रुकावट समझना चाहिए, एक समस्या समझना चाहिए या एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए बहुभाषीय है कोई बच्चा, तो यह एक उसका गुण और साधन हो सकता है, ठीक है, रुकावट समस्या और मुद्दा तो नहीं हो सकता। तो नौवां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक गुण और साधन समझना चाहिए, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास को विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। यहाँ पे सभी लिंगों जेंडर मतलब रूढ़िवादिता जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना उसको कम करने की बात की जा रही है, तो कौन सी पद्धति सही है इसमें प्रभावशाली है। देखिए, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करनी और उन्हें अस्वीकार करना, कैसे अस्वीकार कर सकते हैं भाई, ये प्रकृति की देन है, भगवान ने जिसे चाहा लड़का बनाया, जिसे चाहा लड़की बनाया, तो आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते और इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, आप इसको स्वीकार करिए जो भी आपका है, और जो भी है आप अगर पुरुष है या महिला है जो भी है तो आप बिल्कुल अपने बेस्ट फॉर्म में इसको स्वीकार करिए, आपको कहीं से भी उपेक्षा नहीं करना है अपने आप को। समाज के चित्रित लिंग भूमिका को प्रबल करना चाहिए, समाज ने जो बना दिया उसको आप नहीं मानेंगे, ठीक है, एक ही लिंग की योग्यता समूह बना, ऐसा भी नहीं है कि पुरुष है तो महान है, महिला है तो महान है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा, फॉर्मेटिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन, ये बिल्कुल सही जवाब होगा कि आप ग्रुप डिस्कशन करिए, कोई बात नहीं, सब आपस में बैठ के डिस्कस करें, चीज़ों पर विचार विमर्श करें, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत से, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, केवल 7 प्रश्न और रह गए हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए, जय महाकाल ढासू सर की मुझे याद आ गई, जब तक 5000 नहीं अन्न जल त्याग देते हैं वो। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन, एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन, जो सीख रहा है उसका मूल्यांकन क्या होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता, बिल्कुल सहायक होता है, गलत जवाब। बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया में रुकावट नहीं उत्पन्न करता, ये भी गलत होगा। यहाँ पर लिखा है रुकावट उत्पन्न करता है, तो ऐसा नहीं, उत्पन्न नहीं करता। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों के पहचानने में सहायक होता है, और बेहद, ये देखिए, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए, मतलब इट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई हाई लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, आप बच्चों को फीडबैक, ये भी सही जवाब नहीं लग रहा है। आप अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 आप देखेंगे, सॉरी विकल्प 4, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक देता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 4, जो क्या करता है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के समझ की जानकारी देता है और जो टीचर्स हैं अध्यापक या अध्यापिका उनको अपने शिक्षा शास्त्र पे मतलब टीचिंग स्किल्स पे विचार करने में सहायक करता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 6 प्रश्न देख लेते हैं कि ले वायगोत्सकी के अनुसार, ले वायगोत्सकी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सही लग रहा है जवाब क्योंकि इन्होंने ही कहा था। अच्छा, बच्चे भाषा अधिगम यंत्र द्वारा सीखते हैं, बच्चे संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, स्कीमा में परिकल्पना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब ले वायगोत्सकी ने कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रश्न संख्या 6 का विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए बहुत से, अब 5 प्रश्न और रह गए हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर हम करेंगे जय हिंद जय भारत। चलिए ठीक है, अब आइए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुवृद्धि सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, कौन सा सही है दोस्तों। अब आइए इस विकल्प देख लेते हैं, कौन सा जोड़ा, तो हमने एक प्रकार से एक तरफ बुद्धि का प्रकार दिया हुआ है, एक तरफ अंत स्थिति अनुपालन, तो स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैविक विक्रेता, भाषिकिक मूर्तिकार और यह है शारीरिक गति संवेदता खिलाड़ी, तो इसका तो दोस्तों इसका विकल्प मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन हाँ शारीरिक गति संवेदनता और खिलाड़ी ये मुझे सही लग रहा है और यही सही जवाब होगा। कुछ जवाब आपको थोड़ा सा अपने अनुभव पे भी देना होता है, तो ये मुझे सही लग रहा है कि शारीरिक गति संवेदता और खिलाड़ी, तो ये बिल्कुल सही जवाब भी है। चलिए
चौथा प्रश्न फटाफट से देख लेते हैं। ये थोड़ा सा थियरी बेस है कि लॉरेंस कोलरबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध का सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा दंड और आज्ञापालन अभिन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था और यांत्रिक उद्देश्य विनाश और सार्वभौमिक नीति। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि यह वह विश्वास करता है कि वर्तमान में सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्व बनाने के लिए, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि सामाजिक क्रम और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब अमूर्त चीज़ें भी वो सोचने लगते हैं। क्या करते हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिचिंतन करने में समर्थ होते हैं। बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन आइए एक बार थोड़ा सा अन्य विकल्प, केंद्रीकरण और अनुक्रियात्मरणीय सोच आबद्ध होता है। नहीं, यहाँ पे तो हम अमूर्त संक्रियात्मक सोच की बात कर रहे हैं। संरक्षण वर्गीकरण और चेतक करने में साक्ष्य नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं तो हम चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध करना जानते हैं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, अपनी भाग लेना तो और पहले प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प संख्या एक इसका सही जवाब हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रत्यज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं बच्चे। चलिए सही, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर दो प्रश्न और रह चुके हैं और ख़त्म होने वाले। निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? चलिए, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यवस्थ व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करना चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती हैं, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के व्यवस्थ सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि के द्वारा कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकटस्थ की बात की। निकटस्थ विकास का क्षेत्र वो होता है कि बच्चे वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। ठीक है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए, बहुत सही। अब लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर लास्ट प्रश्न के बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे इसकी आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसे थोड़ा बहुत हम देखते रहेंगे ना, तो देखते हैं एग्जाम तक कितने पेपर क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। चलिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? धीमी गति से होता है और उसे माप नहीं देखिए मापा जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के शारीरिक विकास होता है, अगर हाइट की बढ़ती है तो हम इसको माप सकते हैं। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, मतलब सही बात है, हर एक लेवल पे उसका डेवलपमेंट होता है। केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है और अनियमित और असंबद्ध ऐसा नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुस्तरीय और मिश्रित। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो समझ में आई है। और बाकी कैसा लगा वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको जारी रखूं। देखिए, हम पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर हम ऐसे देख लेंगे तो चलो कम से कम 10 दिन में हमारे CDP के क्वेश्चन तो तैयार हो जाएंगे। हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम से, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, कहां तक देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी कमेंट में राय देंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको देखने के लिए इस वीडियो को। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें राय कमेंट में दे सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम वीडियो सॉल्व करेंगे, CDP के क्वेश्चन देखेंगे 2019 के। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन उसको देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अच्छे रैंक लेके आइए CTET में, और आप एक अच्छे अध्यापक और अध्यापिका बनिए। बाकी वीडियो में अगर कोई ऐसी लगी हो जो आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, सो उसको इग्नोर करें। ठीक है, ये तो बस ऐसे दोस्ती वाली चीज़ है, वैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, दोस्ती वाली रिलेशन है। तो जय जय भारत। अपना ख्याल खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।